नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 100 दिन के एजेंडे के लिए योगी सरकार के सभी नेता जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक अचानक रायबरेली पहुंच गए, जहां उन्होंने बछरावा CHC का निरीक्षण किया और कदम कदम पर उनको खामियां मिली। वहीं CHC में साफ सफाई और डॉक्टरों के नहीं होने से नाराज बृजेश पाठक ने CMO को भी फटकार लगाई। सौ दिनों के एजेंडे को पूरा करने के लिए लगातार डिप्टी CM अपने काम काज में चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे, जहां जमीनी स्तर पर पहुंच के औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहीं आज रायबरेली पहुंच गए, जहां भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया। डॉक्टरों की अनुपस्थिति और गंदगी देखकर काफी नाराज नजर आए हैं डिप्टी CM। आपको बता दें कि इस अव्यवस्था को देख के CMO को फटकार भी लगाई डिप्टी CM ने। आपको बता दें कि औचक निरीक्षण करते हुए कई बार नजर आ चुके हैं डिप्टी CM बृजेश पाठक। 100 दिनों का खाका तैयार करने के लिए CM योगी ने निर्देश दिया है अपने मंत्रियों को, और इसी कड़ी में कई बड़े मंत्री और नेता जमीनी स्तर पर काम करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बृजेश पाठक भी लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हर अस्पताल में इसी बात का खौफ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि कहीं डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक औचक निरीक्षण करने तो नहीं पहुंच जाएंगे, और ये डर ही है जो कहीं ना कहीं इन अव्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर सकता है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजय प्रताप जुड़ चुके हैं रायबरेली से। अजय, जब बृजेश पाठक पहुंचे हैं CHC तो कैसा माहौल देखने को मिला, क्योंकि वो अपनी पहचान छुपा के अपने काफिलों को दूर छोड़ के पहुंचे थे? आपको बता दें कि जिस तरीके से बृजेश पाठक जी वहां पहुंचे हैं, और आपको बता दें अपनी सरकारी गाड़ी की बजाय वो एक प्राइवेट वाहन से वहां पहुंचते हैं और पर्चा लेकर लाइन पे लग जाते हैं। लाइन में कुछ देर बाद वहां के जो पर्चा जो दवा दे रहे हैं, वो पर्चा काट रहे हैं, वो जो कर्मचारी होते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री को के जाते हैं। जब तक अधिकारियों को बताते हैं तब तक काफी लेट हो जाता है, और उनके जो खामियां होती हैं लोगों की, जो सबके जो तब तक आ जाती है नजरों में, और उसके बाद हरकम समझ जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने फटकार लगाया, बता दें कि जिस तरीके डॉक्टर जैसे कहते जहां बैठे थे, उसके बाद वो एक्टिव मोड में आए और वहां की जो गंदगी थी, जल भराव था, उसको देखकर थोड़ा सा गुस्सा हुए। और मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आपको बता दें कि जिस तरीके से डॉक्टर को फटकार लगाई है, हर कमियों पर उन्होंने एक निर्देश भी जारी किए कि अब की बार जो है इस स्वास्थ्य सुधार लीजिए, उसके बाद नहीं तो अगली बार जो दोबारा निरीक्षण होगा तो त्वरित कार्रवाई, मतलब बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी को देखते हुए जिला जो अव्यवस्थाओं की, तो क्या कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली CHC में? बहुत अवस्थाएं मिली, जैसे कि डॉक्टर जहां पर बैठना चाहिए तो उनको वहां पर नहीं बैठे, कुछ डॉक्टर इकट्ठा बैठे थे। उसके बाद बात की जाए तो जो है लोग जो थे वहां पे और इधर उधर थे, सफाई की व्यवस्था की बात की जाए, चाहे वहां पे जल भराव की बात की जाए, ये सारी बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो वहां पर मौजूद, उसको देखकर डिप्टी CM ने जो है लोग डॉक्टर को भी फटकार लगाया, CMO को भी फटकार लगाई है। और आपको बता दें कि इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं हर एक जगह के अस्पतालों में भय सा छा गया है कि उप मुख्यमंत्री जो है, स्वास्थ्य मंत्री जो है बृजेश पाठक जी, कहीं भी किसी भी भेद में वहां पहुंच सकते हैं। इस तरीके की अगर बात की जाए तो जिला स्वास्थ्य केंद्र की, वहां पर भी लोग एक्टिव हो गए थे, और जिस तरीके से लोग जो है मरीज को इधर उधर, जो सफाई यहाँ पे जो गंदगी थी उस सफाई को लेकर काफी एक्टिव दिखे। जी, जिस तरह से आज CHC पहुंचे और डॉक्टरों को फटकार भी लगाई, औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे डिप्टी CM, तो इससे क्या एग्जाम्पल जा रहा है बाकी अस्पतालों के लिए? क्या इसको देखते हुए बाकी अस्पताल अब अपनी नींद से जागेंगे? क्या वहां पे अव्यवस्थाएं जो है उसे दूर करने में सफल होंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय सा तो पैदा हो चुका है कि जो डिप्टी CM जो कहीं भी किसी तरीके के रूप में जा सकते हैं, क्योंकि जो भी अस्पताल है उत्तर प्रदेश में, जो भी हॉस्पिटल है सरकारी अस्पताल में, ये कहीं भी किसी रूप में जा सकते हैं, इसलिए सब एक्टिव मोड में है, क्योंकि डॉक्टर जो है समय से भी पहुंच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साफ सफाई भी करते नजर आ रहे हैं इसमें, वो भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर तो भय पैदा हो चुका है कि डिप्टी CM जो है, स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक जी, कहीं पर भी किसी भी रूप में पहुंच सकते हैं, किसी भी तरीके का निरीक्षण कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय प्रताप सिंह जुड़े थे रायबरेली से। तो औचक निरीक्षण पर डिप्टी CM बृजेश पाठक है, जो लगातार अलग अलग जिलों के अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, साथ ही साथ अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं।
चंदौली के मनराजपुर गांव में पुलिस दबिश के दौरान युवती की घटना से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मृतका निशा के पिता कन्हैया यादव को सांत्वना दी। करीब आधे घंटे तक उन्होंने घटना के संबंध में चर्चा भी की। इस दौरान अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जो सरकार पुलिस को चुनाव जिताने में लगा दे, उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है, पुलिस पे भी सवाल उठाए हैं। पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे कन्हैया यादव को सांत्वना दी। करीब आधे घंटे तक उन्होंने घटना के संबंध में चर्चा की। इस दौरान अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए, सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जो सरकार पुलिस को चुनाव जिताने में लगा दे, उस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो चंदौली का ये मामला है जिसपे अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एक लड़की की मौत के ऊपर अब राजनीति शुरू हो गई है। चंदौली के मनराजपुर गांव का ये मामला है। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दबंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूं तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने, क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी। ये पुलिस उत्तर प्रदेश की और खासकर जब से ये सरकार बनी है कहानी बनाने में बहुत आगे है। तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे निशाना साधा है, पुलिस और सरकार दोनों पर ही हमला बोलते हुए नजर आए हैं। चंदौली से इस खबर में हमारे संवाददाता अजीत पाठक जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह से ये मामला सामने आया, अखिलेश यादव भी अब मिलने पहुंचे पीड़ित परिवार से, राजनीतिक रंग लेता जा रहा है ये पूरा मामला, क्या कहेंगे? आपको बता दें कि लगभग 1 बजे अखिलेश यादव, पूर्व सीएम अखिलेश यादव का वहां पर आगमन हुआ। उसके बाद ही कुछ ही देर बाद फिर उनके मृतिका पिता से उनके मिलने के बाद, परिजनों से मिलने के बाद कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि परिवार के जो उच्च जांच है उस पर जांच की जाए और कहीं न कहीं पुलिस महकमे पर बड़ा निशाना साधते उन्होंने कहा कि पुलिस की जो दबिश देनी गई थी कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई। अब पुलिस की इस सरकार में बहुत ही गुंडागर्दी सामने आ रही है। जी, तो जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और काफी देर तक बात हुई है परिजनों की और अखिलेश की, तो इसके बाद परिजनों का क्या कहना है अजीत? परिजनों का यही कहना है कि हमको पूर्व सीएम अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है और जल्द से जल्द हमको इंसाफ मिलेगा। और उनके पिता से कन्हैया यादव से हमने बात किया, बातचीत में हमको उन्होंने ये बताया कि हमको अखिलेश यादव पर पूरा ही भरोसा है, जल्द से जल्द इस पे जांच होगी और कहीं न कहीं उस यशस्व को कहीं न कहीं उसको सजा मिलेगी। जी, बाकी दलों से भी क्या कोई और नेता आए हैं सामने पीड़ित परिवार से मिलने? जी नहीं, अभी कोई ऐसा दल के अभी कोई ऐसे नेता नहीं है। और आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है भीम आर्मी का। कहीं ना कहीं सभी पार्टी दल अपने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियां अपना रहे, कहीं ना कहीं बहुत ही ये राजनीति फंटा बनता चला जा रहा है, जिसके कारण से आए दिन ये राजनीति पहलू पर चला जा रहा है। और वहीं आपको हम बता दें कि आज पूर्व सीएम अखिलेश यादव जब वहां पर पहुंचे, एक बात और भी कहें कि महंगाई के मुद्दे पर भी बात की उन्होंने। कहीं ना कहीं सब लोग अपना पत्ते अजमा रहे हैं और कहीं ना कहीं आज उस विषय पर अखिलेश यादव ने बड़ा मुद्दा संभाले हुआ और बोला कि मेरे देश की बेटी के साथ गलत हुआ है, इस पे जल्द से जल्द उच्च जांच की मांग की है और जल्द से जल्द जांच करके उसको कार्रवाई किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजीत पाठक जुड़े थे चंदौली से। तो अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ जांच की बात भी कहते हुए नजर आए अखिलेश। खबर आगरा से है जहां थाना शाहगंज के
कोलीहाई बस्ती में युवती के लिए एक रात काल बन गई। जब युवती अपने परिजनों के साथ सो रही थी तभी युवती के ऊपर छत से तेजाब फेंक दिया गया जिसमें उसके परिजन भी घायल हो गए हैं। और जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि योगी सरकार के 2.0 कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला ये था कि हमसे ज्यादा ये लोग यहाँ नहीं रहे। हाँ। 20 दिन पहले भी हमसे वार्तालाप कर चुका। हाँ। इससे भी हमने कुछ नहीं करके बारे बदमाश है हमको मार देगा। हाँ। अभी रात को मेरी लड़की पे मेरी वाइफ के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर और मेरे लड़के के ऊपर डाला ने तेजाब भर के। घर वाली को मेरा भाई ले जा चुका है। मेरा भाई घर से 6 लाख रुपए कुछ सोना वगैरह सब दुकान वकान सब बर्बाद करके चले गया। इसकी औरत ले गई। कितने दिन पहले? आज से 10 साल पहले जी। अब उसकी रंजित जी हमसे रखता है। असलम जो कि कोलियाई थाना शाहगंज का रहने वाला अपने छत पर सोया हुआ था। उसकी पत्नी भाई बेटा और बेटी भी साथ साथ सोए हुए थे। किसी ने रात्रि में छत से तेजाब फेंका जिसमें इसकी पत्नी लड़की भाई और बेटा तेजाब जलने से जले हैं घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। असलम के कोई जलने का निशान नहीं है। जो उसका पड़ोसी है कल्लू उस पर शक कर दिया गया है। कल्लू के मकान की छत पर छींटे भी मिले हैं। इसमें दुश्मनी का पुराना कारण असलम के भाई द्वारा कल्लू की भाई की वाइफ को 7-8 साल पहले भगा कर ले जाना बताया गया है और कल्लू को हिरासत में लिया गया है। उसके जो परिवार के लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और FIR लिखकर इसमें कार्रवाई की जाएगी। आगरा से जिशान क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? क्या किसी पुरानी रंजिश के चलते इस तरह से तेजाब फेंका गया है? शिखा मैं बिल्कुल आपको बता दूं उस पर पूरी पुरानी रंजिश का मामला भी बताया जा रहा है। 7-8 साल पहले असलम का भाई कल्लू की बहन को लेकर भाग गया था और तमाम जेवरात भी लेकर गया था। उसका असलम का ऐसा आरोप है। इसी को लेकर 7-8 साल से इनकी बराबर रंजिश चल रही थी। आज कल्लू ने मौका देखकर रात्रि दो बजे उनके ऊपर परिवार के ऊपर तेजाब फेंका और उनकी हालत पूरी तरीके से हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको SN मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती कराया गया है। इस पर अधिकारियों ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और कल्लू जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया है। जी इस मामले में कुल कितने लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं? जी इस मामले में पूरे में असलम का जो परिवार है 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। असलम की बीवी बेटी और बेटा और एक भाई गंभीर रूप से झुलस गए हैं तेजाब से। जी इन्हें इलाज के लिए कहां भर्ती कराया गया है? आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में इनको भर्ती कराया गया है जहां पर इनका उपचार चल रहा है। जी तो क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जिशान? जी बिल्कुल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है उसके बाद ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। जी जिशान जिस तरह से तेजाब की बिक्री पे रोक है उसके बावजूद ही लोगों को उपलब्ध हो जाता है उसके बाद इस तरह से तेजाब से हमला भी किया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई होगी इस मामले में? वैसे तो इस पर बैन है। हालांकि जिला प्रशासन को आगरा जिला प्रशासन है उसको कहीं ना कहीं देखना चाहिए। जो तेजाब विक्रेता है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। उस पर जब बैन है तो इसकी बिक्री बिल्कुल बंद होनी चाहिए। नहीं तो अपराधी ऐसी आपराधिक जो होते हैं ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक ऐसी घटना सामने आई थी जो बड़ी जी। जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ आगरा से संवाददाता जिशान जुड़े थे।
खबर लखनऊ से है, जहां महापौर संयुक्ता भाटिया ने शहादतगंज वार्ड के शिला गार्डन, सोनापुरम, कनक सिटी, सुमैया विहार, केतन विहार समेत कई क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था का हाल जानने के लिए औचक निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान साफ सफाई नहीं पाए जाने के बाद महापौर ने कार्यदायी संस्था FB ट्रेडर्स पर ₹1,00,000 जुर्माना लगाने के साथ ही संस्था को निलंबित करने का निर्देश भी दिया। जबकि महापौर के निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में एक भी सफाई कर्मी नहीं पाया गया। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप, महापौर संयुक्ता भाटिया लगातार साफ सफाई का औचक निरीक्षण कर रही हैं, जहां योगी सरकार 2.0 में मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा दिया गया है अपने काम को सुधारने का और बेहतर बनाने का, प्रदेश में बदलाव लाने का एजेंडा दिया गया है और इसी के तहत सभी नेता अपने काम को करते हुए नजर आ रहे हैं, औचक निरीक्षण और जमीनी स्तर पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में अब महापौर संयुक्ता भाटिया भी हर जगह देखी जाती है। आपको बता दें कि लखनऊ में कई जगह पे औचक निरीक्षण करते हुए साफ सफाई का जायजा लेती हुई महापौर नजर आई है और उसके बाद तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से फटकारती हुई भी नजर आई है जिम्मेदारों को। आपको बता दें कि महापौर ने कार्यदायी संस्था ट्रेडर्स पर ₹1,00,000 जुर्माना लगाने के साथ ही संस्था को निलंबित करने का निर्देश भी दिया है। महापौर के निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में एक भी सफाई कर्मी नहीं पाया गया। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही संयुक्ता भाटिया औचक निरीक्षण करती हुई पाई जाती हैं। जी शिखा, आपको बता दें कि लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया की तरफ से आज प्रातः सुबह लगभग 7 बजे के करीब औचक निरीक्षण के लिए निकल गई। आपको बताए कि लखनऊ शहर के अंदर जो स्वच्छता को लेकर तमाम काम किया जा रहा है, नगर निगम के तमाम कर्मचारी सड़कों को सजाने में लगे होते हैं, उसी के निरीक्षण को लेकर आज महापौर संयुक्ता भाटिया शहादतगंज से लेकर और केतन विहार सोसाइटी समेत तमाम विभिन्न जगहों पे जाकर और स्वच्छता का उन्होंने निरीक्षण किया। वही आपको बताएं कि स्वच्छता के दौरान उनके जो तमाम सहयोगी साथ थे और आपके बताएं कि नगर निगम के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान जो नगर आयुक्त हैं अजय कुमार द्विवेदी वो भी मौजूद थे। इसी दरमियान संयुक्ता भाटिया की तरफ से एक बात कही गई नगर निगम के कर्मचारियों को कि जो कंपनियां हैं जिनको ठेके दिए गए हैं स्वच्छता को, जो शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, उनकी तरफ से अच्छा काम नहीं किया जा रहा, बल्कि उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये कंपनियां कुछ हद तक देखी जाए तो जो स्वच्छता को मिसाल पेश करने के लिए लखनऊ स्मार्ट सिटी का जो काम है उसको तेजी से किया जा रहा है, उनकी तरफ से विफलता से काम किया जा रहा है। इसको लेकर जो महापौर संयुक्ता भाटिया है उनकी तरफ से कंपनी को जो जिनके पास ठेका था, टेंडर था, उनके ऊपर ₹1,00,000 का हर्जाना लगाया गया। साथ ही साथ आपको बताया कि उनकी लापरवाही के साथ साथ अब कर्मचारियों की बात करें तो सुबह 6 से 7 बजे के करीब इनका भ्रमण का ये कार्यक्रम था, निरीक्षण का कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने सड़क पर किसी कर्मचारी को नहीं देखा, जिसके लिए जो कर्मचारियों के साथ साथ जो कंपनी एवं अधिकारियों को फटकार लगा। वहीं आपको बताएं कि इस साल के अंत में जो नगर निकाय का चुनाव है वो होना है, जिसको लेकर जो मेयर है संयुक्ता भाटिया वो हर एक क्षेत्रों में जाके निरीक्षण कर रही है। साथ ही साथ यातायात को जो सही करने के लिए के काम किया जा रहा है, जो अतिक्रमण है उसको LDA की तरफ से हटाया जा रहा है। जी शिखा जी, विभांशु जिस तरह से औचक निरीक्षण करती हुई नजर आ रही है संयुक्ता भाटिया, क्या नगर निगम में हड़कंप मचा है, क्या कुछ सुधार देखने को मिला है पहले से अब में? जी बेशक, आप देख सकती है कि जो तमाम चारबाग से लेकर आलमबाग और तमाम जो रिहायशी इलाके हैं जहां जनसंख्या ज्यादा है और आगंतुक भी ज्यादा है, ऐसे जगहों पे अतिक्रमण को लेकर LDA कहीं ना कहीं सचेत दिख रहा था और इसको खाली कराने को लेकर तमाम कार्रवाइयां की जा रही थी। उसी क्रम में आपको बताएं कि इस साल के अंत में नगर निकाय चुनाव होना है, जिसमें लखनऊ के निकाय नगर निगम के चुनाव होंगे। 5 साल का कार्यकाल जो है संयुक्ता भाटिया का वो पूरा हो रहा है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संयुक्ता भाटिया यहाँ मेयर है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो अगले उम्मीदवार होंगे या अगर फिर से जो तत्कालीन है उनको फिर से उतारती है, उसी क्रम में मजबूती एवं सक्रियता बढ़ जाती है आमतौर पर चुनाव जब आने वाले होते हैं। उसी क्रम में साथ ही साथ जो लखनऊ के अंदर में
अगर देखें तो स्मार्ट सिटी का गठन हो रहा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि 100 दिन का कार्यकाल जो होगा, 100 दिन का जो कार्य होगा उसकी एक खाका तैयार करके मंत्री काम करें, जिसमें आपको बताया कि प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में सुरेश खन्ना को प्रभारी बनाया गया है और सह प्रभारी के तौर पे दानिश आजाद सिद्दीकी को बनाया गया है। तो इन सब लोगों की तरफ से तमाम काम किए जा रहे हैं तिकमर को लेकर, और साथ ही साथ नगर निगम के साथ संयुक्त रूप से लखनऊ को स्वच्छ बनाने के लिए या यातायात को सुगम बनाने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही लखनऊ के जो लखनऊ को बनाया जा रहा है, हाल ही में आपने देखा कि तमाम शहरों को ऐसे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, उसमें लखनऊ नंबर वन तो उत्तर प्रदेश में है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े हुए थे। संयुक्ता भाटिया लखनऊ को और स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए उनका पालन करती हुई भी नजर आ रही है। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।